अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ मूंग की भुनी हुई दाल। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ यूँ हैं। मैं ले रही हूँ 2 कप मूंग की दाल, जिसको मैंने गर्म पानी में बॉईल कर लिया है नमक डाल के। टमाटर हैं मेरे पास 2 अदद पिसे हुए, 1 लीमू का जूस, 1 टेबल स्पून इसमें बटर ले रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी हुई अदरक, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ ये रेड चिलीज, गार्निशिंग के लिए ले रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई और ये अदरक। स्पाइसेस में मेरे पास है 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 चिकन क्यूब, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। 1/2 कप में ले रही हूँ घी, इसमें मैं डालने लगी हूँ ये लहसुन और ये अदरक। जिसमें अब डालने लगी हूँ ये रेड चिलीज पिसी हुई। लहसुन को मैं कुछ देर के लिए पकाऊंगी। थोड़ा सा लहसुन को फ्राई करूंगी। जब ये इस तरह से हो जाएगा अब मैं इसमें मैं ये टमाटर डालूंगी। साथ ही इसमें ये सारे मसाले। ये थोड़ा सा टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा ये दाल। ये मक्खन मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। दाल में से जब ये घी निकल आया तो फिर ये मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया। अब मैं इसकी गार्निशिंग करने लगी हूँ।
साथ ही